मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अवर टॉपिक इज मेट्रोमॉर्फोसिस। इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट। इट स्टार्ट्स विद लेइंग ऑफ एग्स विच स्टिक्स ऑन द प्लांट्स। द टैडपोल्स हैचेस विद इन अ फ्यू डेज और अ वीक, समटाइम इवन लेटर। ड्यूरिंग मेट्रोमॉर्फोसिस द लंग्स डेवलप, लिम्स अपीयर, द टेल इज अब्सॉर्ब्ड एंड द माउथ बिकम typically frog-like. A tadpole metamorphosing into adult frog loses its tail, its gills and its larval mouth parts. Concurrently, the legs of the adult frog develop progressively the structure of the mouth. An alimentary canal changes the and the skin acquires a bony layer and a system of subcutaneous gland. Ponds have still water and sunlight is not able to reach the bottom. This leads to less amount of oxygen. The still water of lakes and ponds is home to many animals. आज हम मेट्रोमॉर्फोसिस यानी कि कायंत्रण के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर जो लावा होता है वो वयस्क में रूपांतरण यानी कि उसमें चेंज हो जाता है। यह उन अंडों के बिछाने से शुरू होता है जो पौधों पर छड़ी की तरह होते हैं। टैडपोल कुछ दिनों या एक सप्ताह के भीतर कभी कायंत्र के दौरान फेफड़े बनाते हैं या फिर अंग बनाते हैं। पूंछ अवशोषित हो जाती है और मुख्य प्राय मेंढक की तरह बन जाता है। एक वयस्क मेंढक में कायापलट कर एक टैडपोल अपनी पूंछ, गलफड़ों और उसके लावा के मुख के कुछ भागों को खो देता है। इसके साथ ही प्रॉन मेंढक की टांगे उत्तरोत्तर विकसित होती चली जाती हैं। मुख की नली की संरचना बदल जाती है तथा त्वचा एक बोनी परत या चमड़े के नीचे की ग्रंथियों का तंत्र विकसित कर लेती है। तालाब में अभी भी पानी है और सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। झीलों और तालाबों का स्थिर पानी कई जानवरों का घर होता है, अन्यथा कई जानवरों का घर होता